कहिए कैसे हैं आप? पति से कभी ना करें ऐसी बातें। हर पत्नी ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे, प्यार से बात करे, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, पर उन रीजंस में से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वाइफ बात ही कुछ इस तरीके से करती हो कि हस्बैंड की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हो, और जो उनका रिश्ता और ज़्यादा करीब और ज़्यादा प्यार भरा होने वाला होता है वो कहीं दूर होता जाता है। तो ऐसा ना बोले, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहले तो है कि हमेशा ही शिकायती मोड में रहना, और शिकायत भी एक्सट्रीम वे में जाके, मतलब जिसका कोई स्कोप ही नहीं है बचने का। जैसे कि आप हमेशा ही ऑफिस से लेट आते हो, हमेशा, मतलब हस्बैंड 4 बार 5 बार टाइम से आया, 2 बार लेट हो गया, तो नहीं, हमेशा ही लेट आते हो। घर के काम में कभी कभी वो हेल्प नहीं कराता, तो आप कभी भी हेल्प नहीं कराते, कभी भी मेरी हेल्प नहीं कराते, तो हस्बैंड ये सोचता है अरे ये क्या, मैंने कराई तो है। तो इस तरह की बात फीलिंग्स को हर्ट करती है कि जब मैं कराता हूँ, कई बार जब नहीं करा पाता तो नहीं करा पाता, पर जब कराता हूँ तो कराता हूँ, इस तरह की बात करके ना उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो ये चीज़ भी इस तरह से बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरी बात ये कि आप तो कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते। कोई भी काम, जो भी काम दे दो, उसमें गलत तो होना ही होना होता है। कोई काम भी सही ढंग से नहीं कर सकते, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था, ये भी नहीं कर पाए आप, या आपको तो समझ ही नहीं है दुनियादारी की। थोड़े से स्मार्ट बनो, कोई भी आता है आपको बुद्धू बना के चला जाता है। तो थोड़े से आप स्मार्ट बनो, थोड़े से आप चालाक बनो, इस तरह की बातें। तीसरी बात ये कि आपको तो मेरी केयर ही नहीं है, आप मेरी परवाह ही नहीं करते, आप मुझे अब प्यार ही नहीं करते, ना मुझे पिक्चर ले जाते, ना कहीं घुमाने ले जाते। आपके पास सब दोस्तों के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। सबके लिए टाइम है, सबकी केयर करते हो, सबका ख्याल रखते हो, बस मेरा ही नहीं करते। अगर मेरा करते होते तो मुझे क्या घुमाने नहीं ले जाते, अगर मेरा करते होते तो क्या घर में AC नहीं लगवा लेते। मतलब फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया तो था सुबह मेरे सिर में दर्द है, तो मैंने सोचा था वापस में जब आप आओगे, ऑफिस से आओगे, तो समोसे कचौरी वगैरह लेते आओगे, पता तो था आपको तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खाना बनाऊंगी, इस तरह की बातें। तो ये भी फ्रीक्वेंटली जब करने लगते हैं ना, तो वो एक इरिटेशन का कारण बनता है। अब आती है चौथी बात, और वो ये कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से दूर करने वाली बातें बोलना। कैसे? कि जैसे मान लीजिए एक कपल है, वाइफ हस्बैंड है, और इन लॉज कुछ दिन के लिए उनके पास आ रहे हैं, या वो इन लॉज के घर जा रहे हैं, तो वाइफ क्या बोल रही है कि मुझे तो वहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे जाना वहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मुझे ना जो मदर इन लॉ है वो बिल्कुल ही नहीं पसंद, और नन तो और भी बढ़कर है, मतलब मुझे तो वो फूटी आँख ही नहीं सुहाती। मतलब इस तरह की बात बिल्कुल डायरेक्ट वे में हस्बैंड के साथ बोलना, बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई फैमिली गेट टुगेदर है, मैं तो नहीं जा रही, मेरे तो सिर दर्द हो रहा है, बोल देना मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे पसंद ही नहीं है कोई भी पसंद नहीं है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी हैं। जैसे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को बुला लिया, अरे ये 2 दिन पहले 4 दिन पहले तो आया था, फिर भी आ रहा है, फिर दोबारा आ रहा है खाने पर, फिर दोबारा आएगा, बैठेगा, बातें करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, मतलब कोई भी नहीं पसंद। फैमिली तो पसंद है ही नहीं, जो हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं पसंद। पांचवी बात जो कि नहीं करनी चाहिए वो है कंपैरिजन, तुलना करना। बहुत फ्रीक्वेंटली करती हैं तुलना, बहुत फ्रीक्वेंटली, जैसे कि लुक्स को लेकर हो गया या सक्सेस को लेकर हो गया। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है कि ना मुझे तो लंबे लोग बहुत पसंद है, अब उसके हस्बैंड उतने लंबे नहीं हैं, वो थोड़े से नाटे कद के, या मुझे तो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले बहुत पसंद है और हस्बैंड थोड़े से फेयर नहीं है, मतलब उनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, या फिर हस्बैंड जैसे थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, उन्होंने पेट निकल गया, उनका तोन निकल गई उनकी, तो कह रही हैं कि देखो मेरे जीजा जी को देखो, वो तो कितने स्मार्ट हैं, और आप देखो कैसे तोन सी निकली हुई है, आप जिम नहीं जाते, और पड़ोस के जैन साहब को देखो, वो कितने हैंडसम लगते हैं, और आप देख लो। इस तरह से कंपेयर करके उनकी फीलिंग्स को लगातार हर्ट करती हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि हस्बैंड के कोई फ्रेंड हैं और वो एक कंपनी में CEO हैं,
तो अरे ये देखो ये तो सीईओ भी हो गए और आप तो इतने साल से काम कर रहे हो, मेहनत आप भी कर रहे हो, पर आप तो अभी तक मैनेजर भी नहीं बन पाए। कितना फर्क है, कितना फर्क है। इस तरह की बातें बहुत हर्ट करती हैं। अब आती है अगली बात, छठी बात, ये कि आप बनते बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा आप शो ऑफ बहुत करते हो, मतलब पूरा ड्रामा करते हो। इस तरह की बात उनसे बोलना कैसे, जैसे मान लीजिए हस्बैंड है ऑफिस से थके हुए आए हैं, उनका कोई मन नहीं कर रहा बात करने का, या थोड़ा सा ऑफिस को लेके टेंशन है, कोई भी बात है, पर आते ही जैसे वो बात नहीं कर रहे तो आप तो बहुत ही ड्रामा करते हो। मतलब घर आते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बाहर तो बहुत खुश रहते हो, बाहर तो बहुत हंस बोल के बात करते हो, घर में क्यों हो जाती है आपको प्रॉब्लम, यहीं आते ही आपका मूड ऑफ क्यों हो जाता है। मतलब इस तरह से बात करना, ये चीज। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात, सेवेंथ पॉइंट यानी सातवीं बात, और वो ये कि ताना मारना, नीचा दिखाना। ये भी करती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली करती हैं। जैसे कि मान लीजिए जॉब करती है वाइफ और ये बोल रही है तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ मैं, ये भी काम करती हूँ वो भी काम करती हूँ और तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। मतलब बार बार ये एहसास जताना कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। या फिर मान लीजिए एक वाइफ है और वो बहुत सारा दहेज लेके आई है, तो बात बात पर ताना मारना, ये तो मेरे पापा ने दिया था, ये तो मेरे भैया ने दिया था, ये तो मेरा है। अच्छा एसी के लिए भी कि एसी तो चला लिया करो, एसी ला के तो दे दिया शादी में, चला तो लिया करो, क्या सोचते हो कि बिजली का बिल भी वही भरेंगे। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की बातें कि बहुत पिंच कर जाती हैं। बार 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 मतलब उनको नीचा दिखाना है कि आप तो किसी काबिल ही नहीं हो, ये मेरे पेरेंट्स ने दिया है, ये मैं अपने घर से लेके आई हूँ, आपके बस का नहीं है कि आप इतना कमा सको। ये चीजें बहुत हर्ट करती हैं। अब आता है एट पॉइंट यानी आठवीं बात, और वो ये कि काश मेरी तुमसे शादी ना हुई होती, मैं तो पछता रही हूं, मैं तो दुखी हो गई, पता नहीं किस घड़ी में फैसला लिया था। ये भी बोलना कि मेरी मदर ने तो बोला था, मेरे जीजा जी ने बोला था कि मत कर, ये तेरे लायक ही नहीं है, पर पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ गई थी मेरी आंखों में, क्या हो गया था मेरी सोच को कि मैंने तुमको चुन लिया, रिश्ते इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे, एक तो ये एक तो वो। इस तरह से बोलना और ये बोलना मैं तो रह ही नहीं सकती तुम्हारे साथ, मतलब बात बात पर मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं रहती यहाँ पे, कोई भी छोटी सी बात हो गई मैं तो वहां जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती। तो इस तरह से बोलना, क्या आप सोचिए फीलिंग्स हर्ट नहीं करेगा। अब आता है नाइन्थ पॉइंट यानी नौवीं बात, और वो ये कि चुप हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना। अब कई बार तो झगड़े इस बात से बढ़ते हैं कि बहुत बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोले जाते हैं, जो भी मन में आता है बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। कई बार बिना बोले भी हमारे एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि वो बातें भी हर्ट कर जाती हैं। मतलब जैसे हस्बैंड आए हैं ऑफिस से और वाइफ कोई बात ही नहीं कर रही, क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या हुआ, कोई बात ही नहीं कर रही, मुंह बना रखा है, मुंह फुला रखा है, पर बात ही नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, वो पूछ पूछ के थक गए भी क्या बात हो गई, मैंने ऐसा क्या कह दिया, नाराज हो, क्या बात हुई, कोई बात ही नहीं। पर एक्शंस ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए कि दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, दूसरे कमरे में जा रहे हो, दरवाजा बड़ाम से बंद करके, मतलब पता लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, या चाय बना के ला रहे हैं तो जब चाय बनाने जा रहे हैं रसोई में तो खूब उठापटक हो रही है बर्तनों की, खूब आवाज आ रही है, चाय रख रहे हैं तो ऐसे रख रहे हैं कि वो प्याली से चाय छलक गई, मतलब प्लेट में आ गई वो चाय। तो इस तरह से एक्शंस ऐसे कर रहे हैं ना कि जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है पर बोलने में बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है, बस चुप बैठे। तो ये बातें भी देखिए, जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कई बार ये नहीं होता कि हम इंटेंशनली कर रहे हैं, अनइंटेंशनली भी सही, पर बहुत जरूरी है कि इस तरह की बातें ना की जाए। वैसे ना रिश्तों में ना कभी कभी हाथ छुड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, साथ रहते रहते ही रिश्ते बिछड़ जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिश्तों को जोर से नहीं तमीज से थामा जाए, तमीज से। इस समय बहुत सारी लेडीज के मन में ये बात आ रही होगी, हाँ ठीक है भाई हस्बैंड से हम इस तरह से बोलते हैं, भाई इस तरह से बात ना करें ठीक है, पर हस्बैंड भी तो बोलते हैं हमारे साथ, वो भी तो कुछ इस तरह से बोलते हैं कि हमारी फीलिंग्स भी तो हर्ट होती है, क्या हमारी फीलिंग्स का कुछ नहीं, कोई बात नहीं है हमारी, कोई वैल्यू नहीं है हमारी,
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, पर वो वीडियो बनाने से पहले खुद के अंदर तो झांकना पड़ेगा ना, खुद भी तो देखना पड़ेगा ना कि कहीं हम तो एरोगेंट नहीं है, कहीं हम में तो बहुत ज्यादा ईगो नहीं है, कहीं हम ही तो कुछ गलत तरीके से बात नहीं कर रहे। देखना पड़ेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को भी जानना। और एक चीज और भी है, जिंदगी हमने अपनी बेहतर बनानी है, हमने खुश रहना है, इसके लिए भी ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के ऊपर तो तुरंत ब्लेम लगा देते हैं, अपने अंदर भी तो जागना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है कि ये नहीं है कि हम ये जानबूझ के करते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता, मतलब हम अनजाने में ही बोल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता होता है जानबूझ के बोल रहे हैं, पर ऐसा ना बोले इसके लिए ये जानना जरूरी है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।